नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कड़ी सुरक्षा के बीच बोधगया पहुंचे और वहां पहुंचकर सबसे पहले सीएम ने बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इसके बाद सीएम विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। बता दें कि सीएम के साथ इस दौरान बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे धर्म गुरु दलाई लामा जी आए हुए हैं और हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं उनके दर्शन के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। और आप समझ सकते हैं कि धर्मगुरु दलाई लामा जी के पास हमेशा क्यों आते हैं हम लोग, बिहार के माननीय मुखिया हो या डिप्टी सीएम हो या मैं यहाँ के स्थानीय एमएलए हूँ, क्योंकि दलाई लामा जी से पूरी देश और दुनिया में शांति का संदेश जाता है। आप तो देश की हालात देख ही रहे सब लोग, शांति है कि नहीं है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि धर्म गुरु दलाई लामा जी लगातार शांति का संदेश देने का प्रयास करते हैं अपने देश को, दुनिया को, कि हर देश जो है सभी जाति धर्म के लोग आपस में मिलके रहें। यही तो भगवान बुद्ध की पवित्र धरती से पूरी देश और दुनिया को संदेश जाता है। तो दुनिया में शांति रहे, देश में शांति रहे, इस देश में सब लोग भाईचारा के साथ रहें, इसका संदेश देने के लिए धर्म गुरु जी से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए मिलने के लिए। सुने कि प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद मिला है जी, प्रधानमंत्री के लिए भी यहाँ आगे चलकर। अब किनके लिए क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं धर्म गुरु दलाई लामा जी को जानता हूँ। धर्म गुरु दलाई लामा जी ने कभी भी किसी दुनिया को आपस में लड़ने का, जाति और धर्म के नाम पे विवाद करने की संदेश नहीं दिया है। यही तो खासियत है धर्म गुरु दलाई लामा जी में। बैठक के बाद तो आपने सुना बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत को, जिन्होंने बताया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक समाप्त कर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बोध गया पहुंचे और यहां पहुंचकर सर्वप्रथम सीएम ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की और उनसे देश में अमन चैन और शांति बना रहे इसको लेकर आशीर्वाद लिया। और इसके बाद सीएम महाबोधि मंदिर पहुंचे और वहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज यहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आना था, हालांकि वो किसी कारणवश आ न सके। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।